व्यूअर्स, वेलकम बैक टू वीडियो ब्लॉग चैनल। आज हम बात करेंगे आरएन गो सिस्टम का, जो ट्राइबर में रेनो के तरफ से इंस्टॉल हुई है, जो मल्टीमीडिया सिस्टम है उसके बारे में एकदम इन डिटेल। आपको रेडियो कैसे सुनना है, मल्टीमीडिया कैसे ज्वाइन करनी है, आपको ब्लूटूथ कैसे ऑन करना है, गाना नेक्स्ट कैसे करना है, सब कुछ बने रही है इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक। कोई भी चीज मत करो फ्रेंड, ताकि बहुत सारी ये चीजें जो मैं बताने वाला हूं आपके गाड़ी में आप लेने चाहते हो या आपके पास पहले से ऑलरेडी है, तो आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए इस मल्टीमीडिया सेट को लेकर आरएन गो की तरफ से जो आई है। तो फ्रेंड्स चलो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही स्टार्ट करा फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ अभी मैंने इसके बैटरी ऑन किए हैं चाबी से, तो जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ पे टाइम्स वगैरह आ जाएंगे। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कंप्यूटर, ये डैशबोर्ड, जो गाड़ी में कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है, वो आपकी चाबी को कैसे रिकॉग्नाइज करता है। तो फ्रेंड्स चलो अब गाड़ी को कर देते हैं पूरा ऑन। ये रहा ऑन, अब मैं करूंगा इंजन स्टार्ट। ये स्टार्ट किया इंजन, गाड़ी स्टार्ट हो गई है मेरी। कितनी गाड़ी चल चुकी है, 2147। कितनी माइलेज है, 14 माइलेज दे रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे गाड़ी में ये जो नंबर्स आ गए हैं, इसका मतलब आपकी टाइम, मतलब ये जो टाइम दे दी है जो आपने सेट करा है, और आपकी गाड़ी एकदम प्रॉपर स्टार्ट हो गई। ये चाबी रिकॉग्नाइज हो चुकी है तभी वो गाड़ी स्टार्ट हुआ, नहीं तो जो गाड़ी में जो सिस्टम लगी है, कंप्यूटर लगी है, वो गाड़ी आपको स्टार्ट होने नहीं देती। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही ये रेडियो ऑन हो जाए, आप इस बटन से आप गाड़ी को, इस मल्टीमीडिया सिस्टम को ऑन करो। मैंने इसको कर दिया ऑन, वॉल्यूम ऑन ऑफ कम कर देता हूं ताकि कुछ कॉपीराइट्स के क्लेम ना आए बाबा, ठीक है। चलो रेडियो, ये रेडियो चल रही है, सबसे पहला चीज ये रेडियो चल रहा है, ठीक है। रेडियो क्यों चल रहा है, क्योंकि कोई ब्लूटूथ से कनेक्शन नहीं है, कोई यूएसबी में मैंने पेन ड्राइव नहीं डाला, सिर्फ एक ही वेरिएंट है जो मैं यूज कर सकता हूं, वो है रेडियो। रेडियो यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ रेडियो बटन पे क्लिक करना है। अगर इस पे ऐसे क्लिक कर दिया मैंने, रेडियो आपकी चैनल्स स्विच होते रहेंगे, जैसे एफएम 2 आ गया, इसे फ्लिक क्लिक करो आपको एएम आ गया, मतलब जो आपको जो चैनल्स हैं जो आपके रीजनल चैनल से वो आ गए, तो वो डिपेंड करता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी तरह आप जैसे ही इसको प्रेस करते हो, ये दूसरा एफएम 1 पे चला गया, 98.3 एफएम बजने लगा गाना, जो आप समझ सकते हो कौन सा चैनल है, हर एक को यूज कर सकता है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ा, इससे वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, वॉल्यूम बढ़ाओ कम करो, वॉल्यूम बढ़ाओ कम करो, इससे कंट्रोल होता है आपका वॉल्यूम। और ये चीज, ये जो नॉब है, इससे आप चैनल को चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने नॉब इसको ऐसे घुमाया, अब देखो जैसे जो जो चैनल्स मेरे रीजन में है, वो सारे चैनल में गाना जो जो आ रहा है वो सब पकड़ रहा है। अब मान लो ये गाना मुझे सुनना है, ये चैनल, इस ये यहाँ पे सेलेक्ट करो, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर देता हूँ, ये सेलेक्ट करो, ठीक है, ये मान लो 104, ये सेलेक्ट करो और ये ओके बटन को प्रेस करो, तब ये जो चैनल है आपका एक्टिवेट हो जाएगा और ये रेडियो आप सुन पाओगे। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं आपके यूएसबी को लेके। तो चलो सबसे पहले मैं अपना पेन ड्राइव निकाल लेता हूं अपने ग्लव बॉक्स से। मेरी पेन ड्राइव ये रही, मैं पेन ड्राइव निकाल लिया। अब क्या करूंगा, मैं ये पेन ड्राइव को इंसर्ट करूंगा इस यूएसबी में, गिर गया। चलो पेन ड्राइव इंस्टॉल करने से पहले याद रखना आपको ऑफ करना है, जैसा कि मैंने अभी ऑफ कर दिया है। अब पेन ड्राइव इस प्लग में, यूएसबी प्लग में ये इंस्टॉल करो, ये मैंने कर दी है इंस्टॉल, ठीक है। ब्लू लाइट जल रहा है, मतलब वो रीड कर रहा है। थोड़ा देर रुक जाओ, 5 से 6 सेकेंड रुक जाओ, और रुकने के बाद आप ये वाले ऑन बटन फिर से प्रेस करो, और आप देखो यूएसबी कनेक्ट हो गया है मेरा, यूएसबी में जो जो गाना है वो कनेक्ट हो गया है। अब आप ये म्यूजिक, इसको कंट्रोल को जैसे ही इसे घुमाओगे, आपको सारे गाने यहां दिखेंगे, इन दिनों, माही, सोनियो, तेनुले, सारे गाने हैं यहां पे। और जो भी मान लो ये गाना मुझे सुनना है, आप बस ये ओके बटन यहां पे सेलेक्ट करो, ओके बटन प्रेस करो और वो गाना बजना स्टार्ट हो जाएगा। वॉल्यूम मैंने कम रखा है इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रही, ठीक है। लो सुन लो थोड़ा सा, ठीक है। अब रेडियो कैसे सुनोगे, यूएसबी ऑन है, अब रेडियो क्या, रेडियो सुनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस रेडियो जो बटन है इसको बस प्रेस करो और आपकी रेडियो स्टार्ट हो जाएगी, यूएसबी बंद हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से आपको मीडिया में आना है, मतलब पेनड्राइव के गाने सुनने, मीडिया वाले बटन को ऐसे प्रेस करो और आपकी मीडिया में चलने लगे, जैसा कि आप देख सकते हो फिर से वही गाना स्टार्ट हो गया। गाना चेंज करो
बीच वाला बटन दबाओ और जो गाना सुनना चाहते हो वो सुनो, जो भी आपने पेन ड्राइव में आपने डाला है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप को जो आपको ध्यान में रखने हैं। हाँ, अब आपको ब्लूटूथ से फोन कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। अब ये मैं आपको बता दूं कैसे आप कनेक्ट करोगे अपने ब्लूटूथ से फोन, ठीक है। तो सबसे पहला चीज आपको ध्यान देना है जो ये सेटअप का बटन है, सेटअप के बटन को ऐसे प्रेस करो, यहां पे ऑडियो पूछेगा, ठीक है। वन बाय वन करते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये ऑडियो का बटन, ये ऑडियो का ऑप्शन पूछा, रुको सबसे पहले पेन ड्राइव निकाल देता हूं, पेन ड्राइव बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। पेन ड्राइव निकालने के लिए सिस्टम को करेंगे ऑफ, ये ऑफ हो गई सिस्टम। अब पेन ड्राइव को धीरे से इजेक्ट करेंगे, निकालेंगे, पेन ड्राइव निकल गई, वापस इसमें रखेंगे। चलो अब ऑन करते हैं फिर से वापस से और समझते हैं बाकी और फीचर्स। सेटअप को मैं ऑन करता हूं, सेटिंग्स अगर आपको चेंज करना है, चेक करना है तो सेटअप को प्रेस करो। सबसे वन बाय वन करेंगे, ऑडियो में देख लेते हैं क्या है। ऑडियो में आपका साउंड है, साउंड बढ़ा सकते हो। ऑक्सिन, ऑक्सिन जो ऑक्सिन ये यूज करना चाहते हो अगर, तो ऑक्सिन में ऑन ऑफ कर दो। अगर आपको स्पीड वॉल्यूम, स्पीड वॉल्यूम ऐसा ऑन करना चाहते हो, यहां से इसको ओके का बटन दबाओ, वो ऑन हो जाएगा। बास में कुछ बूस्ट करना चाहते हो और बास चाहिए आपको, यहां से ऑन, फिर से यहां पे सेलेक्ट करके इसको ऑफ कर, मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं नहीं करूंगा। ऑडियो डिफॉल्ट, ऑडियो में क्या क्या डिफॉल्ट पहले से है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी ऑडियो रिलेटेड, जैसा यहां पे दिख रहा है ऑडियो रिलेटेड, ये सारे सेटिंग्स है। ऑडियो डिफॉल्ट, बास बूस्ट, स्पीड वॉल्यूम और ऑक्सिन और साउंड, ये सारे सेटिंग्स है। आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, आपको जैसा गाना पसंद है वैसा आप सेटिंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, चलो अब ये जो एरो बटन है इससे बैक होता है, ये इसको प्रेस करोगे आप बैक आ गए, फिर से इसको प्रेस करते हैं पूरा नॉर्मल में आ गए। अब बात करते हैं ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट करना है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए आपको ये जो टेलीफोन वाले मतलब टीएल जो है बटन, इसको प्रेस करना है, ठीक है। सेटिंग्स, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ आ गया, ब्लूटूथ में ऐसे ऑन करोगे, ऑन ऑफ का आ गया बटन, यहां पे ऑन पे रख के ऑन करो, ऑन करोगे ये तुरंत ब्लूटूथ आपका ऑन हो जाएगा। बैक कर दो ऑन होने के बाद, ठीक है। तो ये समझ रहे हो, ये बटन से आप फिर से ये जो है इस बटन से आप बैक हो सकते हो। मान लो मैंने ऑफ कर दिया, या यहां से मैं आपका फिर से मैं इसको बैक करूंगा, मैं वापस आ गया। सेटिंग्स में दिखा देता हूं क्या क्या है। सेटिंग्स में फिर से ओके बटन दबाया, वॉल्यूम और रिंगटोन। फोन से अगर ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है तो वॉल्यूम आपको कैसे बढ़ानी है, कितनी रखनी है, इसको क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। इतना बैक करो, फिर से वापस से बैक जाओ। रिंगटोन आपको कितना रखना है, जो जो ट्विटर्स हैं, ये स्पीकर्स हैं, वो सारे कैसे कंट्रोल होगा, यहां से आप वो सब देख सकते हो। अब आ गए हम वापस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, चलो बैक आ गए नॉर्मल पे, फुल नॉर्मल। अब ये जो है फ्रेंड्स, ठीक है, 2, 3, 4 ये सब आपको मतलब आपको जैसे मान लो आपको थोड़ा सा स्पीड करना है गाना, फटाफट फटाफट आगे बढ़ाना है, या फिर कॉल है, नंबर डायल करना है, तो ये सब, या अल्फाबेट कुछ मैसेज टाइप करना है, तो ये सारे बटन उसमें काम आएंगे। ये कब काम आएंगे, जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ये टेक्स्ट है, मैसेज, मान लो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गए, आपको मैसेज करना है, ये टेक्स्ट पे प्रेस करो, टाइप करो ये सारे वर्ड्स A to Z, यहां से टाइप होगा, यहां से टाइप करो और फिर से ओके दबा दो, वो मैसेज उसको चला जाएगा उस बंदे को। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने ये जो जो इसमें की फीचर्स थे, जो जो आपको जानने चाहिए थे, वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं कि इससे क्या होता है। एक चीज और याद रखना, ये जो है ये आपको नेक्स्ट, प्रीवियस, प्रीवियस, नेक्स्ट, ये सारे गाने में इधर उधर कर सकते हो, इसी से, यहां से ना करके आप यहां से भी कर सकते हो फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, मुझे लगा आपको ये बताना चाहिए। फ्रेंड्स ये अगर मेरे चैनल पे ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको और क्या क्या जानना है ड्राइवर से रिलेटेड, और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हो, ताकि मैं वो हर एक चीज आपको बता पाऊं। फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। वंदे मातरम।